नमस्कार, जराहट की हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं श्रावण पुत्रदायी का दशी व्रत की पूजा विधि शुभ मुहूर्त, इसकी कथा और इसका क्या महत्व है, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सब बताएंगे। आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में दो बार मनाई जाती है, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी और श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी, दोनों को ही पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ग्रोरेनियन कैलेंडर के मुताबिक पौष शुक्ल पक्ष एकादशी दिसंबर या जनवरी में आती है, जबकि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी सावन के महीने में अगस्त में मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी देश भर में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारत में जहाँ पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को विशेष रूप से मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व ज़्यादा है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सावन पुत्रदा एकादशी है। आइए अब जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व होता है। बहुत से लोग इसका महत्व नहीं जानते कि इस एकादशी को रखने से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, इसका क्या महत्व है। दक्षिण भारत में श्रावण पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है, साथ ही इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति अगर पूरे तन मन और जतन से इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराएं और वस्त्र पहनाएं। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी, मौसमी फल और तिलक का प्रयोग करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और उनकी आरती उतारें और पूरे दिन निराहार रहें। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलाहार करें। रात्रि के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य दान दें। अंत में खुद को भोजन ग्रहण करना चाहिए और व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप इस व्रत की कथा ध्यान से सुने। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिषितिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति प्रिय और धर्म प्रिय था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा के शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई तो उन्होंने बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी धनहीन वैश्य थे। इसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुंचे तो वहां गर्मी से पीड़ित एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। राजा को ऐसा करना धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण संतान विहीन रहे। महामुनि ने बताया कि राजा के सभी शुभचिंतक अगर श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी के को विधिवत पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो निश्चय ही उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मुनि के आदेश के अनुसार प्रजा के साथ साथ जब राजा ने भी यह व्रत रखा तो कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी संतान को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा जो आज हमने आपको बताई। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।